بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Dear students, computer science की आज की हमारी क्लास में 7th क्लास के students अपना first topic components of computer से start करेंगे. ये हमारा आज का पहला लेसन है. इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपकी बुक का इंट्रोडक्शन करवा दूं, बुक का तारुफ करवा दूं. जो बुक हमें रिकमेंड की गई है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पीटीबी की बुक है, क्लास सेवन्थ की कंप्यूटर एजुकेशन. ये उसका टाइटल पेज, फ्रंट पेज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आसानी से मार्केट में अवेलेबल है. ये इसका बैक पेज है, बैक साइड से आप इसे देख रहे हैं. उम्मीद करते हैं कि आप में से अक्सर स्टूडेंट्स के पास ये बुक होगी. इस बुक से हम शुरू करते हैं. तो पेज नंबर 2 बेसिकली हमारा जो है इसका फर्स्ट पेज, पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो रही है बुक. तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो है, सबसे पहले आपको हेडिंग नज़र आ रही है, टॉपिक नज़र आ रहा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास 6 में भी. इसमें से ये कंप्यूटर की डेफिनेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं. कंप्यूटर की डेफिनेशन पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेसेस रॉ डेटा इनपुट. कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो कि रॉ डेटा को, इनपुट को प्रोसेस करती है. बिजली से बहुत सी मशीनें चलती हैं, जैसे हमारा फ्रिज है, हमारा टेलीविजन है. इसी तरह से कंप्यूटर भी एक बिजली से चलने वाली मशीन है. आप इसे बिजली किसी भी सोर्स से प्रोवाइड कर सकते हैं, आप यूपीएस से प्रोवाइड कर सकते हैं, आप बैटरी से प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये एक बिजली से चलने वाली, एक सिंपल बिजली से चलने वाली मशीन है जो कि इनपुट को या रॉ डाटा को प्रोसेस करती है और फिर उसे चेंज कर देती है इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, इनपुट को आउटपुट में चेंज कर देती है प्रोसेस करने के बाद. तो एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो कि इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में चेंज कर देती है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज कर देती है. और फिर हम इस आउटपुट को स्टोर भी कर सकते हैं फॉर लेटर यूज, बाद में यूज के लिए. दोबारा देखें, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेस रॉ डेटा इनपुट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट एंड आल्सो स्टोर आउटपुट फॉर लेटर यूज. ये इसकी डेफिनेशन हम क्लास 6 में भी कर चुके हैं. दोबारा इसकी डेफिनेशन के कुछ पॉइंट्स देखते हैं. जब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो सबसे पहले आप देखें कि ये एक बिजली से चलने वाली मशीन है, और दूसरा नंबर 2 पे देखें कि ये प्रोसेस करती है रॉ डाटा को, इनपुट को ये प्रोसेस करती है, और नंबर 3 इसको चेंज कर देती है, चेंज इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, से इन रॉ डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज कर देती है, इनपुट को आउटपुट में ये मशीन चेंज कर देती है प्रोसेसिंग करने के बाद. और हम इस आउटपुट को स्टोर भी कर सकते हैं फॉर लेटर यूज, स्टोर आउटपुट फॉर लेटर यूज, बाद में इसको यूज करने के लिए हम स्टोर भी कर सकते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं, तो हमारे पेज नंबर 2 पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर शो करवाए गए हैं. कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जी? 2 कंपोनेंट्स हैं, एक सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर. ठीक है, एक कंप्यूटर का जो मेन कंपोनेंट है वो सॉफ्टवेयर है और दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो हार्डवेयर है. ठीक है, इस पर हम बात करेंगे. सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसका बेसिकली एक सेट है. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, उनका सेट है. टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कंप्यूटर को वो खास काम करने के लिए जो हम हिदायत देते हैं, उन हिदायत का जो मजमूआ है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है. दोबारा से देखें, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं. अब इसकी एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कोरल ड्रा, डिवाइस ड्राइवर्स एक्सेट्रा, ये सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है. तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को खास काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसका जो सेट है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. इसकी करेक्टरिस्टिक्स हम आगे देखेंगे. अभी हम यहाँ पे
थोड़ी सी हार्डवेयर की भी बात कर लें, दूसरा जो कंपोनेंट है वो हार्डवेयर है। द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डैट वी कैन सी एंड टच आर नोन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डैट वी कैन सी एंड टच आर नोन एज हार्डवेयर। दीज इंक्लूड द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज एज वेल एज द सिस्टम यूनिट। इसमें इनपुट डिवाइसेज शामिल हैं, आउटपुट डिवाइसेज शामिल हैं और इसमें सिस्टम यूनिट भी शामिल है। तो अब हम इस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। पॉइंट्स में अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया, इसकी एग्जांपल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कोरल ड्रा और डिवाइस ड्राइवर। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को स्पेसिफिक टास्क के लिए, किसी खास काम के लिए हम देते हैं। ऐसी इंस्ट्रक्शंस का जो मजमू है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। अभी डिटेल में मज़ीद इस पर बात करेंगे। इसकी एग्जांपल देखें, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, कोरल ड्रा है और डिवाइस ड्राइवर्स, और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल आपके जहन में आ रही होंगी। ये इसकी कुछ पिक्चर्स हैं, सॉफ्टवेयर के आइकॉन यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, कंप्यूटर में जो काम करते हैं, यहाँ पर आप इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर की, डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर अभी अब आप पीछे इसकी डेफिनेशन बुक पे भी देख कर आए हैं। तो द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डैट वी कैन सी एंड टच, कंप्यूटर के वो हिस्से, वो पार्ट्स जिन्हें आप देख सकते हैं और जिन्हें आप टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर इनपुट डिवाइसेज हैं, कीबोर्ड है, माउस है, कैमरा है, आप इन सब को देख सकते हैं, आप इन सब को टच कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेज हैं, मोनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर हैं, आप इन सब को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं। और सिस्टम यूनिट से यहाँ मुराद सीपीयू है, सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क है, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड है, ये सारे पार्ट जो है वो हार्डवेयर कहलाते हैं। यहाँ पे इसकी एक और एग्जांपल है, यहाँ पे ये सारे पार्ट्स जो है वो अलग अलग कंप्यूटर के हार्डवेयर दिखाए गए हैं, पावर सप्लाई, डीवीडी ड्राइव, डीवीडी रोम, मदरबोर्ड, मेन बोर्ड, सीपीयू, फैन है, सीपीयू का जो प्रोसेसर है, रैम है, वीजीए कार्ड, साउंड कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाती हैं, कंप्यूटर की हार्डवेयर कहलाती हैं। नेक्स्ट देखें जी, अगर हम इनका कंपेरिजन करें सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का, तो सॉफ्टवेयर से मुराद आपके जहन में पैदा होने वाली जो सोच है, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारा आईक्यू है, उसे हम जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि वो कंप्यूटर में जैसे सॉफ्टवेयर है, इसी तरह हमारे जहन में जो पैदा होने वाली सोच है, जो हमारी थिंकिंग है, हर किसी शख्स की अलग होती है एबिलिटी, आईक्यू, तो उसे हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। और हार्डवेयर को हम बॉडी से कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है, कंप्यूटर की जो बॉडी है, वो हार्डवेयर कहलाएगी। तो इससे भी उम्मीद है आपको समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं। हार्डवेयर में देखें, हमारे पास वो सारे फिजिकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जैसे एलसीडी है, प्रिंटर है, कीबोर्ड, माउस वगैरह। और सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, जैसे ये गूगल क्रोम है, और जैसे ये हमारे विंडो मीडिया प्लेयर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, अडोब, ये सारी एग्जाम्पल जो है वो सॉफ्टवेयर की आती हैं। इन्हें हम जो है वो टच नहीं कर सकते, ये याद रखें, इनका कोई वेट नहीं होता। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात आपको और बता दूँ, हार्डवेयर बेसिकली हार्ड से है, ये फिजिकल पार्ट्स हैं, इनकी शेप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं लाई जा सकती, इसलिए हम इन्हें हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर में आप चेंजिंग ला सकते हैं, सॉफ्ट हैं, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर्स की सेटिंग्स को चेंज कर लेते हैं, उनके थीम्स को, उनके वॉलपेपर्स को, और अपनी वीडियो गेम्स की सेटिंग्स को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एबिलिटी है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी जो है वो उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंजिंग करते रहते हैं। तो सॉफ्टवेयर इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की जा सकती है, जबकि हार्डवेयर बेसिकली वो हार्ड से है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती। यहाँ पे मज़ीद इसकी एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं कि ये माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड और मोनिटर वगैरह जो है, ये जो स्क्रीन के राइट साइड पे आप देख रहे हैं, ये हमारी हार्डवेयर की एग्जांपल हैं। और सॉफ्टवेयर में फेसबुक है, ईमेल है, यूट्यूब है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, ये आपकी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। अच्छा बेटा, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये जो आज हमने काम किया है, इस रिलेटेड एक्सरसाइज में हमारा कौन सा पोर्शन है, तो ये पेज नंबर 17 आप देख रहे हैं, ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स का पेज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो आपसे रिलेटेड है, इसको हम थोड़ा सा क्लोज करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली डेफिनेशंस
से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली ये डिफरेंशिएट बिटवीन सेम पैटर्न पे आप क्वेश्चन क्लास 6 में भी कर चुके हैं। तो आज अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका फर्स्ट पार्ट ए पार्ट हमने किया है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये हमने आज डिस्कस किया है। तो इसी से रिलेटेड ये कहाँ पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मौजूद है, ये आप मार्क कर लें, ये क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, यही आपका होमवर्क है। इसे आप नोटबुक पर कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए पहले आप इसका आंसर नोट कर लें। ये देखें ये पेज नंबर 2 है जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, इसमें लास्ट में यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर की हेडिंग मौजूद है और ये सॉफ्टवेयर का आंसर यहाँ पे गिवन है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। उसके बाद लास्ट सेंटेंस हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कोरल ड्रा, डिवाइस ड्राइवर एक्सेट्रा। मिनिमम आंसर के अंदर आपके लेवल पे जो है वो 2 सेंटेंस होने चाहिए, तो इसलिए हमने फर्स्ट सेंटेंस यहाँ से सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ये ले लिया, और लास्ट सेंटेंस एग्जाम्पल इसमें हमने कोट कर दी द फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कोरल ड्रा, डिवाइस ड्राइवर एक्सेट्रा। और इस तरह पेज नंबर 3 देखें, यहाँ पर आपको ये हार्डवेयर का आंसर मिल जाएगा, फर्स्ट पे ही है, बिल्कुल स्टार्ट से हार्डवेयर शुरू हो रहा है। द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर नोन एज हार्डवेयर, दीज इंक्लूड द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एज वेल एज द सिस्टम यूनिट। ये ऑलरेडी 2 सेंटेंस हैं, आप यहाँ तक इसे मार्क कर लें, नोट कर लें, ये आप हार्डवेयर की डेफिनेशन में लिखेंगे। अब हम आते हैं अपनी नोटबुक की प्रेजेंटेशन की तरफ। तो इस तरह से आप अपना जो है वो पेज तैयार करेंगे, सेम इसी पैटर्न पे आप क्लास 6 में भी पेज तैयार कर चुके हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले राइट साइड पे जो है वो हाफ इंच का मार्जिन मार्कर से लगाएंगे। पहले आप ये पॉइंटर ब्लैक पॉइंटर से लगाते रहें क्लास 6 में, क्लास 7 में ये आप जो है वो मार्कर यूज करेंगे। तो मार्कर से सिंगल मार्जिन लाइन जो है वो हाफ इंच के गैप से पेज पेपर के एज से किनारे से लेकर यहाँ तक हाफ इंच का जो है वो आप मार्जिन सेट करेंगे, और लेफ्ट साइड पे आप डबल इंच का मार्जिन, डबल जो है वो मार्जिन लाइन मार्कर से ही ड्रॉ करेंगे, और इसका जो गैप है वो 1 इंच होगा। ठीक है, आप इसी तरह क्लास 6 में भी करते रहें। उसके बाद मार्कर से ही हम डेट लिखेंगे, करंट डेट जैसे आज की डेट है, और फिर पेज नंबर लिखेंगे, और इस तरह ये हिजरी डेट भी लिखेंगे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ये हिजरी डेट बहुत ज़रूरी होती है, बहुत सारे बच्चे इसे मिस करते हैं, लिहाजा आपने इसे मिस नहीं करना, हिजरी डेट भी ज़रूर आपने फिल करनी है। उसके बाद आप एक लाइन ड्रॉप करके एक हेडिंग देंगे क्वेश्चंस आंसर्स की, और उसे भी डबल अंडरलाइन करेंगे, ये भी आप मार्कर से लिखेंगे। फिर क्वेश्चन अभी हमने देखा तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, इसी तरह आप इसे मेंशन करेंगे एक लाइन ड्रॉप करके, फिर एक लाइन ड्रॉप करके इसमें क्या पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन, तो आप इसी तरह ये मेंशन कर देंगे, और फिर हमारा टॉपिक वहाँ पे था हार्डवेयर, तो यहाँ पे हार्डवेयर लिखें और उसका वही आंसर लिखें जो मैंने अभी आपको यहाँ पे मेंशन करवाया। द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर नोन एज हार्डवेयर, दीज इंक्लूड द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एज वेल एज द सिस्टम यूनिट। और फिर एक लाइन छोड़ के आप सॉफ्टवेयर मेंशन कर दें, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की हेडिंग दे दें, और फिर सॉफ्टवेयर की जो है वो सॉफ्टवेयर का आंसर लिखते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कोरल ड्रा एंड डिवाइस ड्राइवर एक्सेट्रा। उसके बाद एक खूबसूरत सी लाइन जो है वो आप लगाते हैं मार्कर से, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा पोर्शन लाइक हेडिंग्स हैं वो आपने जो है वो मार्कर ब्लू मार्कर इसके लिए यूज़ करेंगे, मार्जिन के लिए, पेज नंबर के लिए, और जो आंसर का कंटेंट है स्पेसिफिक कंटेंट है, जो आंसर का कंटेंट है वो आप पेन से, ब्लू पेन आपका जो कंटेंट पेन इंक पेन होता है उससे आप जो है वो इसे फिल करेंगे, वो यूज़ करेंगे। तो लास्ट में आप देखें आपका जो इंडेक्स है इसे आपने कैसे फिल करना है, अक्सर बच्चे इंडेक्स पे भी तवज्जो नहीं देते, इसे भी आपने ज़रूर फिल करना है। सबसे पहले ये देखें सीरियल नंबर 01 हमारा फर्स्ट होमवर्क था, फर्स्ट लेसन था, फर्स्ट क्लास थी, तो फर्स्ट यहाँ पे जो है वो सीरियल नंबर आ जाएगा। उसके बाद करंट डेट जो हमने होमवर्क वाले पेज पर लिखी थी वही डेट हम यहाँ पर लिखेंगे। कंप्यूटर में टॉपिक्स हम यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज और चैप्टर यूज़ नहीं करते, ये दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए है, तो टॉपिक पे आप टिक करें, और टॉपिक में आज के हमारा जो टॉपिक था वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर था बेसिकली, तो आप यहाँ पे लिखते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और पेज नंबर 1 से आपका होमवर्क स्टार्ट हुआ और पेज नंबर 1 पे ही ख़त्म हो गया। अगर ये दूसरे पेज पे ख़त्म होता तो वहाँ पे किसी और पेज का नंबर लिखते, तो इसीलिए यहाँ पे हमने पेज नंबर 1 से इसे स्टार्ट किया फ्रॉम 1, और 2 पेज नंबर 2 फ्रॉम 2 पेज नंबर 1 पे ही ये ख़त्म हो गया, यानी 1 से स्टार्ट हुआ 1 पे ख़त्म हो गया, और ये लास्ट के जो 2 कॉलम्स हैं टीचर सिग्नेचर और पेरेंट्स सिग्नेचर ये आप छोड़ देंगे, आपके टीचर और पेरेंट्स फिल करेंगे। तो इस तरह से आपने इंडेक्स फिल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस पूरी वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी कि किस तरह से आपने जो है वो अपना होमवर्क करना है, किस तरह से आपने इस लेसन को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।